हेलो, आई एम डॉक्टर सतीश पट्टन शेट्टी, कंसल्टेंट लैप्रोस्कोपिक एंड बेरियाटिक सर्जन वर्किंग इन पुणे महाराष्ट्र। गॉल ब्लैडर सर्जरी के बाद डाइजेशन में प्रॉब्लम्स होते हैं, ऐसे बहुत सारे पेशेंट्स का डाउट या क्वेश्चन रहता है, सो वी शैल ट्राई टू एड्रेस दैट। गॉल ब्लैडर का फंक्शन क्या है ये पहले पता चलना बहुत इंपॉर्टेंट है। गॉल ब्लैडर इज अ ऑर्गन इन आर बॉडी विच हैज जस्ट अ स्टोरेज फंक्शन, वो खुद से कुछ तैयार नहीं करता है। जो कुछ डाइजेस्टिव एंजाइम्स रहते हैं जो पचन के लिए, जो इसके लिए इंपॉर्टेंट है पचन के लिए, वो आर बीइंग सीक्रेटेड बाय द लिवर एंड द पैंक्रियास। लिवर सीक्रेट्स बाइल, पैंक्रियास सीक्रेट्स पैंक्रियाटिक एंजाइम्स विच आर इंपॉर्टेंट फॉर द डाइजेशन ऑफ फूड। लिवर के जो एंजाइम्स, जो बाइल बोलते हैं उसको, वो आके बाइल में, गॉल ब्लैडर में सिर्फ स्टोर होता है। और जब भी हम फैटी फूड खाते हैं तो इट गोज, दैट स्टिमुलस गोज टू द ब्रेन एंड ब्रेन का स्टिमुलस फिर से गॉल ब्लैडर में जाके, वो जो कॉन्सेंट्रेट बाइल रहता है वो अपने इंटेस्टाइन में आके इट हेल्प्स इन डाइजेशन ऑफ फैटी फूड। जब भी ये स्टिमुलस जाता नहीं गॉल ब्लैडर को, तो गॉल ब्लैडर में फंक्शनिंग कम हो जाता है और उसमें बाइल ज़्यादा देर स्टोर होके, उसमें कॉन्सेंट्रेट ज़्यादा होके उसमें स्टोन्स होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। इसीलिए व्हेनेवर द गॉल ब्लैडर इज नॉट फंक्शनिंग प्रॉपरली, तभी उसमें स्टोन्स होते हैं। इसलिए जब भी गॉल ब्लैडर में स्टोन्स होते हैं, द ट्रीटमेंट ऑफ गॉल ब्लैडर स्टोन्स इज टू रिमूव द गॉल ब्लैडर एंड नॉट ओनली रिमूव द स्टोन्स। इसीलिए जब भी हम गॉल ब्लैडर निकालते हैं तो नॉर्मल डे टू डे फंक्शन में कुछ प्रॉब्लम नहीं आता, क्योंकि जो डाइजेस्टिव जूसेस है वो लिवर एंड पैंक्रियास तो हम वैसे ही रखते हैं और वो आके अपने इंटेस्टाइन में उतने ही स्पीड में, उतने ही क्वांटिटी में गॉल ब्लैडर रिमूवल के बाद भी आते हैं और डाइजेशन ऑफ फैटी फूड करते हैं। We have to take care of our food only for 2 weeks after surgery, क्योंकि उस टाइम पे हम थोड़ा medicines लेते हैं, उसकी वजह से थोड़ा सा पेट में जो सूजन रहता है उसकी वजह से हम 2 weeks सिर्फ fried और fatty food नहीं खाना चाहिए, spicy diet नहीं खाना चाहिए, उतना avoid करने को बोलते हैं। But after 2 weeks you can lead a very normal life, ऐसा digestion में कुछ problem नहीं होता, क्योंकि जो digestion के जो organs है liver और pancreas उसके लिए हम कुछ नहीं करते। जो फूड आता है वो स्टमक में आके एसिड को पहले मिक्स होता है, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है और उधर जो पित्त की नली है वो उसको हम इंटैक्ट रखते हैं उधर ही, उसको कुछ हाथ भी नहीं लगाते। उसमें से हम लीवर के और पैंक्रियास के जूस आके इंटेस्टाइन में जो भी फूड आता है एसिड मिक्स्ड, उसको मिक्स होता है और फूड का डाइजेशन होता है। तो किधर भी डाइजेशन ऑफ एनी फूड इज नॉट अफेक्टेड आफ्टर द रिमूवल ऑफ गॉल ब्लैडर। इसीलिए ये जो बहुत सारे लोग आके बोलते हैं कि डाइजेशन में प्रॉब्लम होता है, ऐसा कभी कुछ होता नहीं। जो पेशेंट्स जो तकलीफें होती है वो हमको बताते हैं, बट इट इज़ नॉट रिलेटेड टू डाइजेशन एट ऑल आफ्टर रिमूविंग द गॉल ब्लैडर। सो गॉल ब्लैडर रिमूवल सर्जरी इज नॉट रिलेटेड टू डाइजेशन प्रॉब्लम्स। अगर कुछ क्वेश्चंस रहेंगे तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, या फिर यू कैन लाइक और सब्सक्राइब टू दिस वीडियो फॉर मोर एजुकेशनल वीडियोज़। थैंक यू।